महाराष्ट्र में जब से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने हाथ मिलाया है, तभी से ही सूबे के सियासी समीकरणों में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। जो दल कभी एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भरा करते थे, वो आज एक साथ आ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाद अब सूबे में एक और गठबंधन बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिसने सूबे के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राजनीति में कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ ना तो कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई किसी का स्थायी दोस्त। अब महाराष्ट्र से सामने आई खबरों को ही देख लीजिए, जिसने सूबे में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। दरअसल एक दिन पहले सूबे के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच गुपचुप मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि मुंबई के लोअर परेल की इंडिया बुल्स इमारत में दोनों के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्य की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि 23 जनवरी को मुंबई में मनसे के सम्मेलन से पहले दोनों के बीच हुई ये मुलाकात काफी अहम है, जिसमें एमएनएस अपने झंडे को बदलने की घोषणा करेगा, जो पूरी तरह से केसरिया होगा और उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर बनी होगी। वैसे पिछले काफी वक्त से ही दोनों की मुलाकात की खबरें आ रही थी। दरअसल सूबे में शिवसेना के कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि अब हिंदुत्व का मुद्दा क्या होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए ही अब बीजेपी और एमएनएस साथ आ रहे हैं। वैसे सूबे का सियासी इतिहास बताता है कि 2006 में बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अब सियासी रुख इस कदर बदल रहा है कि राज ठाकरे बीजेपी से नजदीकी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये दोनों साथ आते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि हमेशा पीएम मोदी पर बरसने वाले राज ठाकरे क्या नया रुख अपनाते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।